हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल डू चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज, थर्ड वीडियो। दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। यह लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये लॉ एक जो शेयर कर रहे हैं हाउस होल्ड्स के जो राइट्स को मान्यता देता है। वुमेन कैसी भी वॉयलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का राइट ले सकती हैं और इसके अलावा मॉनेटरी रिलीफ, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है जो कि वे अपने खर्चों के लिए और मेडिकल कॉस्ट के लिए ले सकती हैं। नाउ बिगिन्स अनदर लॉन्ग जर्नी, फिर से एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होती है। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स, बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशंस। देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रेफर टू देम एज सर्वाइवर्स रेदर देन अ विक्टिम्स। जो वुमेन वायलेंस को फेस करती हैं उन्हें विक्टिम्स, जो पीड़ित माना जाता है, इन सिचुएशन में सर्वाइव करने वाले के लिए वे डिफरेंट सर्वाइव करने के लिए वे डिफरेंट वेज को यूज़ करती हैं, इसीलिए उन्हें विक्टिम्स की जगह सर्वाइवर कहना ज़्यादा ठीक है। एज द अबव एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन क्रूशल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव into laws, from establishing the need for a new law to its being passed. At every stage of the process of voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials and radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work and that the parliament does more accessible and transparent to the people. जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल से शो हो रहा है सिटीजन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं लॉ बनाने में, वे कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे पीपल के प्रॉब्लम्स को कानून के दायरे तक लाते हैं और पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस के एवरी स्टेज पर सिटीजन्स की वॉइस बहुत मायने रखती है। ये वॉइस टीवी रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स में सुनी जा सकती है। इन सभी के हेल्प से पार्लियामेंट का वर्क मोर एसेसिबल, ठोस और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से वह लोगों के सामने आता है। अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्सल लॉज, लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून जो कि फेमस नहीं होते हैं वे लॉज, और कुछ उनमें विवाद होता है, कॉन्ट्रोवर्सल होता है। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कंटिन्यूसली वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन दिस इट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। इन न डेमोक्रेसी लाइक आर सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस दे आर अनविलिंग्स टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज एंड फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। वैन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड देन देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन, अब हम ये सिचुएशन देखते हैं जहाँ कि पार्लियामेंट में कोई लॉ जो पास किया जाता है टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, पर वह अनपॉपुलर रहता है, फेमस नहीं होता है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कई बार जो
लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान से वैलिड तो है बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, पर वह अनपॉपुलर है और अनएक्सेप्टेबल है लोगों के द्वारा, लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर, क्योंकि वो लोग ऐसा फील करते हैं कि जो इसके पीछे इंटेंशन है, इसके पीछे जो मकसद है वे अनफेयर है और हार्मफुल है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इसीलिए लोग इसकी आलोचना भी करते हैं इस लॉ की। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, इसके लिए पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं। राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है। रिपोर्ट ऑन टीवी न्यूज़, इसके अलावा टीवी जो न्यूज़ चैनल्स पर भी इसकी रिपोर्ट दी जाती है। इन ए डेमोक्रेसी लाइक आर्स, हमारे जैसे लोकतंत्र में सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज, जो सिटीजन्स हैं नागरिकों को अपने जो अनविलिंगनेस है, अगर वे कुछ ऐसा फील करते हैं कि अगर वो ठीक नहीं है तो वे लोग अपनी असहमति भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सिटीजन्स। और इसके अलावा बहुत से जो लोग हैं वो ऐसा फील करते हैं कि रॉन्ग लॉ पास हुआ है, तब वो पार्लियामेंट, तब जब बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि कोई गलत लॉ पास हुआ है, तब वे पार्लियामेंट को चेंज करने का प्रेशर देते हैं। फॉर एग्जांपल वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। एक एग्जांपल स्पेस को यूज़ करने के लिए म्यूनसिपल कुछ लॉज हैं जिसमें म्यूनसिपल लिमिट्स में हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को, जो फेरी लगाने वाले हैं उन्हें इलीगल डिक्लेयर किया गया है कि वे मान्य नहीं है। इसमें कोई नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ऑफन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट ईजिली। इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि ऐसा कोई रूल्स बनाए गए हैं जिसमें कि ओपन जो स्पेस है वहाँ पर पब्लिक जो पीपल हैं वहाँ के स्पेस में पेमेंट्स में इजीली वॉक कर पाए, ऐसे भी कुछ नियम बनाए। हाउएवर वन आल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लाइंग लिविंग इन द लार्ज सिटी। यह भी हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो हॉकर्स हैं और वेंडर्स हैं वे ज़रूरी जो चीज़ें हैं एसेंशियल जो सर्विस है वो चीप रेट में, वो बहुत ही कम रेट में एक बड़ी सिटी में रहने वाले लोगों को सभी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं और इससे उनकी जो लिवलीहुड है वह भी चलती है। हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड दिस रिगार्ड्स द अदर इट विल बी कॉन्ट्रोवर्सल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लॉ है वह एक जो ग्रुप को फेवर करे और दूसरे ग्रुप को निगलेक्ट करे, इससे भी कॉन्ट्रोवर्सल होता है, एक विवाद उत्पन्न होता है और लीड टू कॉन्फ्लिक्ट और टकराव की स्थिति होती है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। पीपल जो ऐसा सोचते हैं कि ये लॉ अनफेयर है वे लोग इसके इशू पर, इस इशू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट तक भी जा सकते हैं। देखो द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज। कोर्ट के पास लॉज को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की और कैंसिल करने की पावर्स होती हैं इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर ये संविधान के लॉ खिलाफ है तो उसे मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है। एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज आर्बिटरी एंड रिप्रेसिव लॉज, कि किस तरह से इंडियन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कोई नए लॉ के, न्यू लॉ के अगेंस्ट। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ हु हैव स्ट्रगल्ड टू एंड अनजस्ट लॉज, के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमने हिस्ट्री में पढ़े जिसमें जो कम्युनिटीज़ थी या जो लोग थे उन्होंने स्ट्रगल किया था अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट। इन योर क्लास सेवेंथ बुक यू रीड ऑफ हाउ रोजा पार्क्स एंड
अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। आपने क्लास 7th की बुक में यह पढ़ा था कि किस तरह से दिसंबर 1955 में रोजा पार्क ने अफ्रीकन अमेरिकन जो वुमेन थी उन्होंने अपनी सीट एक वाइट मैन को देने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक स्पेसेस, और इसके लिए एक पब्लिक प्लेस जो स्पेस है वहाँ पर किस तरह से डिवाइड करने के लिए एक लॉ को पास किया गया था वाइट बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स और वाइट्स के बीच में। हर रिफ्यूज़ल वॉज अ की, उनका जो रिफ्यूज़ल था एक की इवेंट था जिसने कि सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था, विच लेड टू द सिविल राइट एक्ट इन 1864 विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन नेशनल ओरिजिन ऑफ द USA। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन द क्लास 7th की एक फ़ोटो ऐसे जो कि क्लास 7th की बुक में है, द फोटो दैट आर देयर शोड इन डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट। ये फोटो ये शो कर रही है कि जो सिटीजन्स हैं किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज से कैंपेन करते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ, की जो अनजस्ट लॉ है गलत जो कानून बनाए जाते हैं उनके खिलाफ लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। वी नीड ए रिमेंबर दैट आर रोल एज सिटीजन्स डज नॉट एंड विथ इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा रोल है सिटीजन्स होने का, नागरिक होने का, ये केवल एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने तक, एक अपने प्रतिनिधि को चुनने तक नहीं है। रेदर इट इज़ then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticizing their work when we feel it is required। कि हमें जो newspaper और media से जो news मिलती है कि जो हमारे MPs किस तरह का work कर रहे हैं, और अगर required है, अगर हम ऐसा feel करते हैं कि ये ज़रूरी है कि उनके जो गलत किए गए कार्यों को क्रिटिसाइज करें, उनकी आलोचना की करें। वॉट वी शुड बियर इन माइंड दैट इज़ द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एथिज्म ऑफ द पीपल दैट हैज पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। पीपल का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा और जितने वे उत्साह से इन वर्क्स में जुड़ेंगे, पार्लियामेंट को अपने फंक्शन प्रॉपर्ली करने में हेल्प मिलेगी। आपका चैप्टर कंप्लीट है।